बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम यूनिट 7 की एक्सरसाइज कर रहे हैं सुल्तान अहमद मस्जिद। आज हम उसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करेंगे। देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री यानी मुस्बत डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तकाबल जिसमें करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री आला दर्जे की डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? वी यूज़ द पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन आर थिंग। पॉजिटिव डिग्री में हम एक ही फ़र्द या अशिया के बारे में बात करते हैं, जैसे अली रज़ा इज़ टॉल, अली रज़ा लंबा है, द हाउस इज़ बिग, घर बड़ा है, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत है। कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करना होता है, मुवाजना करना। वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर टू पर्संस आर टू थिंग्स विद ईच अदर। जब हम दो अफराद को या दो अशिया को आपस में कंपेयर करते हैं या उनका आपस में मुवाजना करते हैं, जैसे अली रज़ा इज़ टॉलर दैन अहमद, अली रज़ा अहमद से लंबा है। सुपरलेटिव डिग्री में है, वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री When we compare more than two persons or things with one another, जब दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ हम मुआज़ना करते हैं, it is the highest degree of the quality, ये सबसे आला दर्जे की quality है। जिस तरह से अली इज़ द tallest boy in the class, अली जो है वो सबसे लंबा लड़का है अपनी पूरी क्लास में। अब आप ये example देखें कि हमने big, the cake is big, केक बड़ा है, जब हमने उसको कहा कि बिगर, द केक इज़ बिगर, तो हमने बिगर ER आगे लगा दिया, और जब हमने कहा कि द केक इज़ दिस केक इज़ द बिगेस्ट, तो थर्ड डिग्री पे जब हम सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं और EST लगाते हैं। फिर एक और एग्जांपल देखें, इसमें है द मैन इज़ फास्ट, वो आदमी तेज़ भागता है, द मैन इज़ फास्टर, वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है बाकी अपने कोलीग से, द फास्टेस्ट, दिस मैन इज़ फास्टेस्ट, वो सबसे ज़्यादा तेज़ भागता है। तो इससे ये पता चला द रूल इज़ इफ़ एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल एड ER एंड EST, और व्हेन द एडजेक्टिव्स आर एंडिंग ऑन ई जस्ट एड आर एंड ST, जैसे स्मॉल से स्मॉलर स्मॉलेस्ट, वार्म से वार्मर वार्मेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, नाइस नाइसर नाइसेस्ट, बिग बिगर एंड बिगेस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, हैप्पी हैप्पियर द हैप्पीएस्ट, द बियर इज हैप्पी, भालू खुश है, द बियर इज हैप्पियर, अपने दूसरे भालू से ज़्यादा खुश है, द हैप्पीएस्ट, दिस बियर इज़ द हैप्पीएस्ट, ये सबसे ज़्यादा खुश है। तो इसमें आपने देखा कि हमने वाई जहाँ पे एंड होता है उसको हमने IER से रिप्लेस किया कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में हमने IEST लगाया। तो सेकंड रूल है, फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई कट वाई देन एड IER एंड IEST, जैसे अगली से अगलियर हो जाएगा और अगलीएस्ट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, बर्ड इज़ ब्यूटीफुल, परिंदा खूबसूरत है। अब हमने उसको सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में कहेंगे द बर्ड इज़ मोर ब्यूटीफुल, हमने मोर ऐड कर दिया, और सुपरलेटिव में द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इससे हमें ये पता चला कि एडजेक्टिव्स ऑफ 3 आर मोर सिलेबल्स जस्ट एड मोर एंड मोस्ट, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, मोर एक्साइटिंग एंड मोस्ट एक्साइटिंग, जस्ट एड मोर एंड मोस्ट बिफोर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देन देयर आर इररेगुलर एडजेक्टिव्स लाइक लिटल से कंपैरेटिव में लेस आ जाएगा और सुपरलेटिव में द लीस्ट आ जाएगा। द स्नो मैन इज लिटल, द स्नो मैन इज लेस, एंड दिस स्नो मैन इज द लीस्ट।
So irregular adjectives you will have to memorize these. There is no rule for good is changed into better and best, bad, worse and worst, little, less and least, much, many into more and most, far, farther, farthest, late, later, latest, old, older and oldest. There is no fixed rule. Now stop comparing yourself to other. लेकिन ये असूल याद रखें कि अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें. You are also awesome. आपको भी अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया और दूसरे को भी. कुछ नेमतें आपके पास हैं, कुछ दूसरे के पास हैं. अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन रहना चाहते हैं तो अल्लाह की खुशी का ख्याल रखें और शो ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है अल्लाह का शुक्र अदा करना. एक हदीस है जिसका मफहूम यह है कि अगर तुम दुनिया में अपने से नीचे लोगों को देखो तो तुम शुक्रगुजार हो सकते हो. उन लोगों को देखें जिनके पास नेमतें कम हैं, और दीन में उन लोगों को देखें जो आपसे ज़्यादा अल्लाह के शुक्रगुजार हैं. थिंक ऑफ योर सोल, अपनी रूह के बारे में सोचें. किसी से अपना मुआवजा ना करें. लोगों से तवक्कुआत ना रखें. डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स. एंड वर्क ऑन फिज़िकल फिटनेस, और अपने आप को सेहतमंद और तवाना रखें. उम्मीद है आप इन असूलों में काम करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे. अब हमने देखा था लेसन में, द मस्जिद इज़ आल्सो डिज़ाइंड दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू लुक एट द इमाम. मोस्ट क्राउडेड यानी कि जब बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तो ये जो है मोस्ट. इसी तरह कैप्ट मच है. इसी तरह हमने एक और एग्जांपल देखी है जिसमें कि आपके बुक में है. इसमें है मोस्ट विजिटेड यानी ये मस्जिद जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको विज़िट करते हैं. अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. जैसे इसमें जो पॉजिटिव डिग्री दी हुई है उसको हमने सुपरलेटिव में चेंज करना है. जैसे कैप्ट मच, तो अगर हम इसकी आगे देखें कैप्ट मच को हम किस तरह से चेंज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में, तो हम कैप्ट मोर और कैप्ट मोस्ट ऐड करेंगे. तो इस तरह से हम जो हैं वो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सैंग ब्यूटीफुली कि उसने बहुत खूबसूरती से गाना गाया. तो ब्यूटीफुली जो है एक मोर देन वन सिलेबल का वर्ड है. तो आप खुद से ट्राई करें इसको किस तरह से हम चेंज करेंगे. तो इसके साथ हम सैंग मोर ब्यूटीफुली कंपैरेटिव डिग्री के लिए ऐड करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए सैंग मोस्ट ब्यूटीफुली हम मोस्ट का वर्ड जो है वो ऐड करेंगे. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो है स्लेप्ट लिटल. तो अभी हमने देखा था कि लिटल जो है वो कौन से में आता है, इररेगुलर एडजेक्टिव्स में आता है. इसकी जब हम ये हमें मेमोराइज करने पड़ेंगे. क्या आपको याद है अभी जो हम पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा अपने ज़हन पे जोर दें. शाबाश. तो ये हम करेंगे स्लेप्ट लेस और स्लेप्ट लीस्ट. लिटल से लेस और सुपरलेटिव डिग्री में लीस्ट सबसे कम. लिटल लेस और लीस्ट, तो ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं. इनका कोई रूल नहीं है. ये आपको जो है वो मेमोराइज करने पड़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं. पॉजिटिव डिग्री है यू लुक गुड. तो गुड जो है वो भी अभी हमने देखा था कि वो भी एक इरेगुलर एडजेक्टिव है. तो गुड के लिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए हमने देखा था यूज़ होता है बेटर और बेस्ट. तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम कहेंगे लुक्ड बेटर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए लुक
look best. आप कहते हैं ना, you should be the best student in the class. Next example है हमारे पास arrived early. तो वो पहले पहुंचा. तो arrived early, अर्ली जो है वो वाई पे एंड हो रहा है. और हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि जो एडजेक्टिव वाई पे एंड हो रहे हों उनको हम वाई को काट के आई लगाते हैं और आई के बाद ई आर, तो ये अर्ली से अर्लियर बन जाएगा. और सुपरलेटिव के लिए अर्लीस्ट, आई ई एस टी, तो अराइव्ड अर्लीस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. अर्ली, अर्लियर एंड अर्लीस्ट. उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.